इन 1824 सादी कारनॉट ने एक ऐसे थ्योरेटिकल हीट इंजन को डिज़ाइन किया जिसकी वर्किंग एफिशिएंसी 100% थी। हीट इंजन ऐसे डिवाइस होते हैं जो हीट को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हों, जैसे कि स्टीम इंजन या मोटर व्हीकल। सभी हीट इंजन का वर्किंग प्रिंसिपल सेम है, जिसमें किसी भी वर्किंग सब्सटेंस, गैस या वेपर को एक साइक्लिक प्रोसेस के अलग अलग थर्मोडायनेमिक स्टेजेस से गुजारते हुए वापस पहले वाली स्टेज में लाया जाता है। कारनॉट ने सजेशन दिया कि अगर किसी हीट इंजन को एक स्पेसिफाइड प्रोसेस के फिक्स्ड थर्मोडायनेमिक स्टेजेस से गुजारा जाए तो ऐसे में हीट इंजन की एफिशिएंसी 100% पॉसिबल हो सकती है। इसे कारनॉट इंजन या आइडियल हीट इंजन कहते हैं। आइडियल इसलिए क्योंकि ये इंजन मैक्सिमम एफिशिएंसी देता है, कोई और इंजन इससे अधिक एफिशिएंट नहीं हो सकता। कारनॉट द्वारा सजेस्ट किए गए इस स्पेसिफाइड साइक्लिक प्रोसेस को कारनॉट साइकिल कहते हैं। कारनॉट इंजन के तीन मेन पार्ट्स हैं। फर्स्ट, एक इंसुलेटेड नॉन कंडक्टिंग स्टैंड जिससे एनर्जी का ट्रांसफर पॉसिबल ना हो। सेकेंड, एक हॉट रिजर्वायर जिसकी हीट कैपेसिटी इन्फिनिट हो। इन्फिनिट इसलिए ताकि इससे कितनी भी एनर्जी लेने पर रिजर्वायर का टेम्परेचर कॉन्स्टेंट बना रहे। इसे हीट सोर्स भी कहते हैं। थर्ड, एक कोल्ड रिजर्वायर, इसकी हीट कैपेसिटी भी इन्फिनिट होती है ताकि इसे कितनी भी हीट देने पर इसका टेम्परेचर चेंज ना हो। इसे हीट सिंक भी कहते हैं। फोर्थ, एक सिलेंडर जिसमें वर्किंग सब्सटेंस को रखा जा सके। वर्किंग सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है, गैस या लिक्विड। सिलेंडर के साथ एक मूवेबल पिस्टन लगा होता है। पिस्टन और सिलेंडर के वॉल नॉन कंडक्टिंग मटेरियल के बने होते हैं जिससे हीट का ट्रांसफ़र पॉसिबल नहीं होता है, जबकि सिलेंडर का बेस कंडक्टिंग होता है। एक कारनॉट इंजन कारनॉट साइकिल के चार अलग अलग स्टेजेस से गुजरता है, जिसे ग्राफिकली एक पीवी ग्राफ पर डिस्प्ले करते हैं। इसके लिए सबसे पहले सिलेंडर को हॉट रिजर्वायर पर रखते हैं। चूंकि रिजर्वायर का टेम्परेचर गैस के टेम्परेचर से अधिक है, इसलिए हीट रिजर्वायर से गैस की ओर फ्लो होती है, जिससे गैस का एक्सपांशन होने लगता है। चूंकि हीट ट्रांसफ़र होने की वजह से गैस एक्सपेंड हो रही है, इसलिए गैस का टेम्परेचर बढ़ नहीं पाता। इस प्रोसेस को आइसोथर्मल एक्सपांशन कहते हैं। गैस के एक्सपेंड होने की वजह से गैस का वॉल्यूम बढ़ता है और प्रेशर घट जाता है। नेक्स्ट स्टेप में सिलेंडर को हॉट रिजर्वायर से हटाकर इंसुलेटिंग स्टैंड पर रख देते हैं। ऐसा करने पर गैस चारों ओर से नॉन कंडक्टिंग वॉल से कन्फाइंड हो जाती है। पिस्टन को धीरे धीरे ऊपर उठने देते हैं, जिससे गैस और एक्सपेंड होती है। लेकिन इस बार गैस को एक्सपेंड होने के लिए कहीं और से हीट नहीं मिल रही। इस तरह के एक्सपांशन को एडियाबेटिक एक्सपांशन कहते हैं। चूंकि यह एक्सपांशन बिना हीट के हो रहा है, इसलिए गैस का टेम्परेचर डिक्रीज होने लगता है। इस एक्सपांशन के कारण भी गैस का वॉल्यूम और बढ़ता है और प्रेशर घट जाता है। नेक्स्ट स्टेप में सिलेंडर को स्टैंड से उठाकर कोल्ड रिजर्वायर पर रख देते हैं। अब पिस्टन को अंदर की ओर प्रेस करते हैं, जिससे गैस का कंप्रेशन होने लगता है। गैस के कंप्रेस होने से जो एक्स्ट्रा हीट प्रोड्यूस होती है, उसे रिजर्वायर एब्जॉर्ब कर लेता है। इस तरह गैस उसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर कंप्रेस हो जाती है। इसे आइसोथर्मल कंप्रेशन कहते हैं। इस कंप्रेशन के कारण गैस का वॉल्यूम घट जाता है और प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। फाइनल स्टेप में सिलेंडर को फिर से स्टैंड पर रख देते हैं और पिस्टन को डाउनवर्ड प्रेस करते रहते हैं। लेकिन अब एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हो रही हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए कोल्ड रिजर्वायर नहीं है, इसलिए गैस का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। इस कंप्रेशन को एडियाबेटिक कंप्रेशन कहते हैं। पिस्टन को तब तक प्रेस करते हैं जब तक कि गैस का टेम्परेचर बढ़कर वापस से हॉट रिजर्वायर के बराबर न हो जाए। इससे गैस का वॉल्यूम और घटता है और प्रेशर इंक्रीज होता है। इस स्टेप के एंड में गैस वापस से अपने इनिशियल स्टेट में पहुंच जाती है। यह कंप्लीट साइकिल कारनॉट साइकिल कहलाता है और इस पर वर्क करने वाला इंजन कारनॉट इंजन कहलाता है। एक कारनॉट इंजन की एफिशिएंसी दोनों रिजर्वायर के टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। या तो हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर इन्फिनिट केल्विन कर दें या फिर कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर जीरो केल्विन। दोनों ही केसेस में इंजन की एफिशिएंसी 100% हो जाएगी, बट ऐसा कर पाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए कारनॉट इंजन सिर्फ एक थ्योरेटिकल आइडियल इंजन है। प्रैक्टिकल इंजन की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हम दोनों रिजर्वायर के टेम्परेचर में जितना ज़्यादा डिफरेंस पॉसिबल हो उतना ज़्यादा रखते हैं।